अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू इफ़ेक्ट बनाना सिखाएंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस बोतल को भी गूगल से डाउनलोड किया है। ये इसका सर्च एड्रेस है, आप इस एड्रेस से गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं। और इस जो आइसलैंड को भी हमने गूगल से सर्च किया है, आप भी इसे सर्च कर सकते हैं गूगल से ही। तो हम मूव टूल से इसको मूव करेंगे और बोतल वाले डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे। बोतल के ऊपर हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल टी की मदद से हम कंट्रोल हैंडल्स लाएंगे और उसकी मदद से हम इसको रीसाइज करेंगे। यहाँ से आप इसको रीसाइज करेंगे। इसको हमने रीसाइज कर लिया बोतल के साइज़ के मुताबिक। अब हम इसको मज़ीद और रीसाइज करते हैं ताकि ये बोतल के ऊपर बिल्कुल फिट आ सके। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ताकि हमें जो इसके बैक में बोतल है वो भी नज़र आए। हम इसको रीसाइज कर लेंगे मज़ीद। ऊपर से भी थोड़ा इसको रिसाइज करेंगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे। इसके ऊपर हम लेयर मास्क लगाएंगे। लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेयर मास्क के ऊपर हम ब्लैक कलर को अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं, बैक की लेयर को सिलेक्ट, यहाँ से हम जो है ना प्यूक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। प्यूक सिलेक्शन टूल से हमने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से हम इन्वर्स अपने सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई की मदद से भी हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन में जाएंगे, मॉडिफाई, एंड यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इसको हम 4 पे इसके पिक्सल्स रखेंगे, 4% इसके पिक्सल्स रखेंगे हम, और देन ओके कर देंगे। फिर हम सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से मॉडिफाई और फीदर, इसका जो रेडियस है हम यहाँ से रखेंगे तकरीबन 20, देन ओके। उसके बाद हम लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश का साइज़ हम अपने वर्क के हिसाब से रखेंगे
और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्मूथ इसकी टाइप सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। इसका जो फॉरग्राउंड कलर है उसको हम वाइट करेंगे और बैकग्राउंड को हम ब्लैक करेंगे और देन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ब्रश टूल की मदद से हम जो बोतल का ऊपर वाले हिस्से उसको हम रिमूव कर रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि ये जो आइलैंड है ये बोतल के अंदर है। तो हम मज़ीद इसको अच्छी तरह रिमूव करते हैं। तो ये हमने तकरीबन वो इफ़ेक्ट बना लिया बिल्कुल सही तरीके से। कंट्रोल प्लस डी से हम इसको डिसलेक्ट करें। हमारा जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियो बना सकें आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।